इटावा यूक्रेन से अपने घर लौटी तेजस्विता देर शाम शताब्दी ट्रेन से उतरते ही माँ बाप की आंखों में दिखे खुशी के आंसू, रोक नहीं पाई। यूक्रेन से लौटी छात्रा तेजस्विता ने यूक्रेन के हालात के बयान, कहा वहाँ की स्थिति इस समय बहुत खराब है, हजारों भारत के बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं, अपने देश आने के लिए हजारों की संख्या में छात्रों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। वही फ्लाइट के टिकट 80,000 से अधिक रेटों में बेचे जा रहे हैं, जिनकी माली हालत सही नहीं होने के कारण वो छात्र महंगी टिकट नहीं खरीद सकते हैं। वही यूक्रेन के विनिस्टिया में पढ़ने वाली छात्रा ने भारत सरकार से उन छात्रों के मदद के लिए आग्रह किया है जो इस युद्ध में यूक्रेन में फंसे हैं। वही तेजस्विता के पिता सत्येंद्र पाल सिंह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज में डायरेक्टर के पद पर है। इटावा से निशा राज। सर मेरा नाम तेजस्विता है, मैं यूक्रेन में MBBS की थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ विनिसिया नेशनल पेरेगोवा मेडिकल यूनिवर्सिटी में। मेरा एडमिशन 2019 में हुआ था, मेरी थर्ड ईयर चल रही है ये, और अभी वहाँ पे कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि वहाँ पे जितने भी बच्चे फंसे हुए हैं वो इंडियन हो या फिर दूसरी कंट्री के हों, उनकी कंडीशन इतनी ख़राब है कि उन्हें खाने के लिए उनके पास जो स्टॉक है वो कुक करके भी नहीं खा सकते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, उनके पास टाइम ही नहीं है कुक करने का। वो 24 घंटे शूज़ पहन के बैग पैक करके बैठ रहे हैं वहाँ पे, कब मिसाइलें गिरने लगे, कब बम ब्लास्ट होने लगे कुछ नहीं पता वहाँ पे। उन्हें जैसे ही सायरन बजता है वो सारे के सारे अंडरग्राउंड होना पड़ता है, तो सारे के सारे भागते हैं अंडरग्राउंड होने के लिए, फिर जब नॉर्मल लगता है तब फिर ऊपर आते हैं। पेरेंट्स से बातें कर रहे हैं, पावर बैंक चार्ज करके रखे हुए हैं, बात ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते ज़्यादा क्योंकि पता नहीं कब कैसी क्राइसिस हो जाए, किसी को नहीं पता वहाँ पे। अभी सर अभी तक इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ ऐसी कोई भी मदद नहीं पहुँची है जिससे हम ये कह सकें कि नहीं हमें रिलीफ हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग से जब से ये चीज़ स्टार्ट हुई है इंडियन एम्बेसी सिर्फ और सिर्फ ये हमें बोल रही है कि आपको करना है तो आप करिए, नहीं करना है तो नहीं करिए, कोई कंपलसरी नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं आपको ऐसा करना पड़ेगा वरना हम आप पे खतरा है, उन्होंने ये चीज़ कंफर्म नहीं की कि यहाँ खतरा है आप जाइए, क्योंकि वहाँ 20,000 इंडियंस हैं और अभी भी इतना सब होने के बाद भी अभी वहाँ कम से भी कम 15,000 बच्चे फंसे हुए हैं। सर मेरी जो फ्लाइट है, मैं पहले हमारा जो पूरा ग्रुप है वो प्लान कर रहा था कि हम 24 में करा लेंगे 26 में करा लेंगे, क्योंकि इंडियन एम्बेसी में बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि नहीं सारा कुछ नॉर्मल है आप जब जाएं तब चले जाइए, क्योंकि हमारी एयर इंडिया की फ़्लाइट्स आ जा रही हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमने सडनली वो तो पता नहीं कैसे माँ को इतना प्रेशर डालना पड़ा मुझ पर कि नहीं आज ही फ़्लाइट कराओ। 22 को माँ का कॉल आया सुबह सुबह कि नहीं आज ही फ़्लाइट कराओ, मुझे नहीं पता तुम आ रही हो यहाँ पे, अगर नहीं आई तो मुझसे बात मत करना। तो मैंने उस प्रेशर में आके अपनी फ़्लाइट 22 को कराई, मतलब 23 को कराई, 22 को बुक करा लिया हमने, क्योंकि हमारी 23 को जो हमारी फ़्लाइट उड़ी है वो हमारी लास्ट फ़्लाइट थी वहाँ से, उसके बाद की सारी फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी थी। लकीली हमारी फ़्लाइट अगर एक घंटे भी डिले हो जाती तो शायद मैं भी आज यहाँ नहीं आ पाती, मैं भी वहाँ एयरपोर्ट पे फंसी हुई होती उन बच्चों में। सर अभी 23 को इमरजेंसी लगाई गई जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ कि आप अपना जितना भी सामान है 2-3 हफ्ते के लिए, 1-2 हफ्ते के लिए कम से भी कम अपना स्टॉक करके रख लीजिए ताकि अगर कोई क्राइसिस हो तो आपके पास इतना हो कि आप मतलब रह सकें बॉम्ब शेल्टर्स में। तो अभी मार्केट्स वगैरह वहाँ पे ज़्यादा नहीं खुल रहे हैं, लिमिटेड खुल रहे हैं क्योंकि उनके पास लिमिटेड स्टॉक है। जो यूक्रेन के बॉर्डर हैं वो सील हो चुके हैं, ना कोई चीज़ अंदर आ रही है ना बाहर जा रही है, तो वहाँ पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन है इस टाइम। इंडियन बच्चों को सही से खाना नहीं मिल रहा है, सही से नेटवर्क नहीं मिल रहा है, सही से उन्हें कुछ भी सुविधा ऐसी नहीं मिल रही है जिससे उन्हें थोड़ा रिलीफ मिले, उनके पेरेंट्स को थोड़ा रिलीफ मिले। फ्लाइट्स इतनी ज़्यादा महंगी, 80,000 की फ़्लाइट्स हो रही हैं और वो भी रिफंडेबल नहीं है। जब स्टार्टिंग में हो रही थी अभी तो सारी कैंसिल हो गई हैं, लेकिन जो पहले हो रही थी उनमें भी ये था कि अगर जाएगी तो जाएगी, नहीं जाएगी तो आपको रिफ़ंड भी नहीं मिलेगा। जो बच्चे वहाँ लोन लेके पढ़ रहे हैं वो बताइए आप उनके पेरेंट्स कैसे अफोर्ड करेंगे 60,000 की 80,000 की फ़्लाइट। मेरी फ़्लाइट जो हुई है वो 60,000 की हुई है।
मेरे पेरेंट्स इतने कैपेबल हैं कि वो मुझे यहाँ बुला सके अगले ही दिन, लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे हैं, काफ़ी बच्चों के पेरेंट्स नहीं अवेलेबल हैं, मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते इतना, तो वो कैसे क्या करेंगे। तो मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि वो अपने फ्लाइट्स के जो रेट हैं वो कम करें ताकि हर बच्चा अफोर्ड कर सके उसको।